सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिल शेख, आप देख रहे हैं डायमंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कोरल ड्रॉ X8 है उसकी फाइल कोरल ड्रॉ X7 में कैसे ओपन होगी और किस तरह की से वो चलेगी। जैसे कि मैं ये ओपन कर लेता हूँ कोरल ड्रॉ X8, इसको कुछ लोग कोरल ड्रॉ 2018 कहते हैं और जो X7 है उसको कुछ लोग कोरल ड्रॉ 2017 कहते हैं। तो वही 8 और 7 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो साइज जो फाइल लेना है वो ले लीजिए। नॉर्मल पे मैं रहने देता हूँ, इसे कर लेता हूँ मैं ओके। ये मेरा एक न्यू पेज जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे मैं बना लूँगा कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कुछ भी सा नॉर्मली बना लिया है और दो चार चीज़ें हम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ले लेते हैं, आपको जो बनाना है वो आप बना लीजिए यहाँ पर। अब इसको बनाने के बाद मैं कर लेता हूँ सेव एस पे। अब जब मैं सेव एस पे जाता हूँ तो मैं अपने डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लूँगा। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना है जो कि डायमंड स्टडी के नाम से, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो है वो नेम आएगा, तो यहाँ पर मैं सेव करना है मुझे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बता रहे हैं कि वर्ज़न 8.0, इसे मैं कर लूँगा वर्ज़न 7.0। अब जब मैं 7.0 कर लिया तो ये वर्ज़न जो है ये 7 में भी ओपन होगा, मतलब दो X7 में भी ओपन होगा और X8 में भी ओपन होगा। तो दोनों में ये ओपन होगा क्योंकि ये X8 अपडेट वर्ज़न है, इसलिए X8 में तो होगा ही। और जो X7 में उसको करने ओपन करने के लिए X7 17 पे मेरे को जो वर्जन जो है वो 17 पे करना होगा। और यहाँ पे एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह सेव इन प्रेजेंटेशन ये एक्सचेंज, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। और यहाँ पे जो भी है इस पर भी मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद मैं सिंपल से ओके कर लेता हूँ। और जब मैं सेव करने की बारी आती है तो मैं इस पर सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है मेरा कोरल ड्रॉ X7 भी ओपन है। मैं यहाँ पे फाइल में आऊँगा, फाइल में आने के बाद मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद वही डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डायमंड स्टडी के मेरे फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फोल्डर है, इसे मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पे सिंपल ये फोल्डर ओपन हो गया। और यहाँ पे ओपन करने के बाद जिसमें कुछ चेंजेस करना हो तो मैं बिल्कुल बआसानी चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको इसमें बताना चाहता हूँ, ये जो है ये कोरल ड्रॉ, देखो ये X8 है, ये X8 में मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी लिख कर या जो भी है जैसा भी है इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसे फाइल पे सेव एस कर लेता हूँ। सेव एस पे करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर कोई भी नाम देने के बाद और ये जो वर्ज़न 18 पे रख कर मैं सेव करूँगा। सेव तो हो गया ये, लेकिन जब मैं कोरल ड्रॉ देखो X7 में आता हूँ, X7 में आने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन में क्लिक करने के बाद ये जो मेरा फोल्डर है इसे ओपन पे मैं क्लिक करने के बाद ये ऑल ऑप्शन आता है, दिस फाइल इस वर्ज़न 18.0। तो ये जो फाइल जो है मेरी ओपन नहीं होगी क्योंकि ये अपडेट वर्ज़न की फाइल है। तो अब 7 में मैं देखता हूँ कि 7 में वर्ज़न कहाँ तक ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल में, यहाँ पे सेव एस पे क्लिक कर लूँगा। सेव एस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वर्ज़न में देखूँगा वर्ज़न 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, इतने सारे वर्ज़न जो है ये X7 में ओपन हो जाएगा। लेकिन एक वर्ज़न जो 18 का है वो X8 में ही सिर्फ ओपन होगा। तो आप कोई भी फाइल अगर सेव करके किसी के पास भेज रहे हो या फिर किसी को ईमेल कर रहे हो तो ये याद रखिए कि एक वर्ज़न पिछला रखिए। जैसा क्या मेरे पास कोरल ड्रॉ X8 में यूज़ करता हूँ और सामने वाला क्या पता बंदा कौन सा यूज़ करता है, तो मैं इसलिए उसको X17 में करके भेज दूँगा ताकि उसका X7 का रहेगा तो 7 में भी ओपन हो जाएगा, अगर X8 रहेगा तो उसमें 8 भी ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे X8 का भेजता हूँ, सामने वाले के पास X7 यूज़ है, तो वो इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास किसी ने ऐसी कोरल ड्रॉ की फाइल भेजा है जो आप ओपन नहीं कर पा रहे तो उसको फ़ोन करके बोलिए आप जो कोरल ड्रॉ X8 यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है वो जो वापस उसको ओपन कीजिए और वर्ज़न 17 में करके मुझे भेजिए, पिछला वर्जन करके मुझे भेजिए ताकि मैं इसको ईजिली ओपन करके उसका यूज़ कर सकूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।